हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कर रहा है? शो डेट, यहाँ ये देखिए, शो करना है। यहाँ दिया है फर्स्ट नंबर में कि साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू में जीरो, ये प्रूफ करना है। तो इसका हम लोग एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी इंटू में साइन ए माइनस बी। एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ टू से डिवाइड करते हैं और हर एक में टू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। टू साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस टू साइन बी साइन सी माइनस ए, फिर प्लस टू साइन सी साइन ए माइनस बी, ठीक है। हर एक में टू से इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं ताकि हम लोग फॉर्मूला लगा सके। एक फॉर्मूला है ना जी, टू साइन ए साइन बी का कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए इसकी अकॉर्डिंग करते हैं। वन बाई टू, यहां पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा कॉस, देखिए ए माइनस बी, तो यहाँ देखिए ए माइनस, इसको लिखेंगे तो बी और यहाँ प्लस का सी आ जाएगा, माइनस कॉस क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। यहाँ पे भी फिर उसी तरह से प्लस देंगे और फिर क्या हो जाएगा कॉस बी माइनस यहाँ सी प्लस ए आ जाएगा और फिर माइनस कॉस बी प्लस सी माइनस ए। चलिए फिर यहाँ पे भी लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस सी माइनस ए और यहाँ प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बीच में माइनस देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर माइनस कॉस सी माइनस ए सॉरी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, समझ गए ना। कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को प्लस में दे दिया। चलिए अब देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी कहाँ है? ए माइनस बी प्लस सी, ये माइनस में है और यहाँ ये प्लस में, ये दोनों टर्म कट जाएंगे। ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ देखिए ए प्लस बी माइनस सी, ये प्लस माइनस में है, कट जाएंगे। यहाँ देखिए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस प्लस में, ये कट जाएंगे। तो वन बाई टू इंटू में जीरो, यानी कि जीरो आ गया, हमारा आर एच एस आ गया। यही ना हमें प्रूफ करना था, समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में देखिए इसका एल एच एस लेते हैं। सेकेंड नंबर में देखिए क्या दिया, यहाँ भी जीरो प्रूफ करना है। साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस डी, फिर प्लस साइन सी माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस डी, फिर उसके बाद प्लस साइन ए माइनस बी इंटू में कॉस सी माइनस का डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टू से हर एक में मल्टीप्लाई कर देंगे, टू साइन बी माइनस सी इंटू में कॉस ए माइनस का डी, फिर प्लस टू साइन सी माइनस ए इंटू में कॉस बी माइनस डी, और प्लस टू साइन ए माइनस बी इंटू में कॉस सी माइनस डी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए वन बाई टू, यहाँ देखिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे टू साइन ए कॉस बी का। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टू साइन ए कॉस बी के लिए फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और फिर प्लस साइन ए माइनस बी, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन बी माइनस सी प्लस ए माइनस डी, ठीक है, और फिर प्लस में, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में यहाँ आ जाएगा साइन बी माइनस सी माइनस ए और यहाँ प्लस का डी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसके लिए चलते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन सी माइनस ए प्लस बी माइनस डी और फिर आपका प्लस साइन सी माइनस ए माइनस बी और प्लस का डी हो जाएगा, ठीक है। फिर अब चलते हैं इसके लिए, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी और फिर प्लस साइन
ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 1/2 साइन, इसमें थोड़ा सजा लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी प्लस, यहाँ पर देखिए साइन माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, देख रहे ना, माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी सजा रहे हैं यहाँ पे, साइन माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस साइन, यहाँ पर हम लोग माइनस ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी। फिर उसके बाद देखिए प्लस साइन, यहाँ ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। फिर यहाँ पे साइन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 1/2, इसको आप देखिए पेयर हम लोग यहाँ बनाएंगे। देखो इसमें देखिए उल्टा हो रहा है, यहाँ ये दोनों प्लस ये माइनस, ये यहाँ ये दोनों माइनस ये दोनों प्लस है, तो इसमें से आप माइनस लेंगे बाहर, तो माइनस का साइन देख लीजिए, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना एक, मैं यहाँ कहीं घेर के लिख देता हूँ, साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो मैं हर माइनस ले सकते हैं ना इसमें से। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखिएगा, साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, इसको और इसको देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। अच्छा, इसको इसको देख सकते हैं है कि नहीं, और इसको इसको देख सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इन तीनों को ऐसे रहने देते हैं, इन तीनों में से माइनस निकाल लेंगे। यहाँ पे साइन माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस साइन माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। यहाँ देखिए तो माइनस आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, माइनस साइन ए माइनस का ए प्लस का बी माइनस का सी प्लस का डी। फिर माइनस साइन माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ये सारे टर्म कट जाएंगे देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 × 0, यानी कि 0 आ गया हमारा, आर एच एस आ गया, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव करना है कि टेन एक्स इंटू टेन पाई बाई थ्री माइनस एक्स इंटू टेन पाई बाई थ्री प्लस एक्स इक्वल टू टेन थ्री एक्स। चलिए हम लोग इसका एल एच एस लेते हैं, एल एच एस में यहाँ पर है टेन एक्स इंटू में टेन पाई बाई थ्री माइनस एक्स इंटू में टेन पाई बाई थ्री प्लस का एक्स। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर देते हैं, फिर यहाँ पे देखिए साइन पाई बाई थ्री माइनस एक्स बाई कॉस पाई बाई थ्री माइनस एक्स, फिर यहाँ पर देखिए साइन पाई बाई थ्री प्लस एक्स बाई में कॉस पाई बाई थ्री प्लस एक्स कर देते हैं। चलिए यहाँ साइन एक्स को ऐसे रखते हैं, नीचे यहाँ कॉस एक्स को भी इसी तरह से रख देते हैं, इनमें टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो बैलेंस हो जाएगा। पहले प्लस वाले को ही लिख दो, पाई बाई थ्री प्लस एक्स और इंटू में साइन पाई बाई थ्री माइनस एक्स, नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पर टू कॉस पाई बाई थ्री प्लस एक्स इंटू में कॉस पाई बाई थ्री माइनस का एक्स। चलिए ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू क्या है, टू इसको आप देखो, टू इसको साइन ए और इसको साइन बी, तो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जानते हैं ना जी, टू साइन ए साइन बी के लिए क्या होता है, कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसको लगा देंगे, और नीचे टू कॉस ए कॉस बी का, टू कॉस ए कॉस बी के लिए, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं ना जी, कॉस ए प्लस बी और इंटू में सॉरी प्लस में कॉस ए माइनस बी, ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ऊपर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, कॉस देखिए ए माइनस बी, तो माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे ये पाई बाई थ्री कट जाएगा, अरे माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, तो यानी कॉस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ देते हैं माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, कॉस पाई बाई थ्री यानी कि कॉस टू पाई बाई थ्री हो जाएगा, यानी 120 डिग्री। तो नीचे आपका कॉस एक्स है, यहाँ पर यही फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स एक्स कट जाएगा टू पाई बाई थ्री यानी 120 डिग्री, और फिर प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस कॉस टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं,
साइन एक्स ऊपर देखिए कॉस टू एक्स का हम लोग यहाँ साइन के फॉर्म में लिखते हैं, तो वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस इसका फॉर्मूला तो यहाँ पर टू पाई बाई थ्री के लिए माइनस वन बाई टू, तो प्लस वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, नीचे कॉस एक्स इंटू यहाँ पर माइनस वन बाई टू और इसका कॉस के फॉर्म में करते हैं तो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं, साइन एक्स इंटू यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो थ्री बाई टू हो जाएगा, थ्री बाई टू माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स। नीचे देखिए कॉस एक्स इंटू में टू कॉस स्क्वायर माइनस का थ्री बाई टू, इसको भी ऐड कर लिया यहाँ पे, ऊपर और नीचे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स इंटू में ऊपर देखिए एलसीएम हो जाएगा टू, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर टू, थ्री माइनस का फोर साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे देखिए आपका यहाँ पर कॉस एक्स और अंदर एलसीएम हो जाएगा टू, फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का थ्री। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये टू और ये टू कट जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री साइन एक्स माइनस का फोर साइन क्यूब एक्स, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस का थ्री कॉस एक्स। तो ऊपर फॉर्मूला हो जाएगा ये साइन थ्री एक्स का, साइन थ्री एक्स का, और नीचे हो जाएगा कॉस थ्री एक्स का, यानी कि यहां से आ गया ये टेन थ्री एक्स। आर एच एस में ही ना लाना था, हमने ला दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं एट नंबर, क्या करा, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई टू सो डेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा इज वन बाई टू। हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना, एक काम करिए टू से डिवाइड और इसमें टू से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता है कॉस ए टू कॉस ए कॉस बी का, तो वन बाई टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में कॉस अल्फा माइनस का बीटा। चलिए, तो हमारे पास दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वह पाई बाई टू के इक्वल है, तो कॉस पाई बाई टू और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस कॉस, यहाँ पर अल्फा के जगह पर क्या कर देते हैं पाई बाई टू माइनस बीटा, माइनस बीटा, फिर एक ऑलरेडी माइनस बीटा जो है वो रह गया वन बाई टू, इसका वैल्यू तो आप जानते हैं कॉस पाई बाई टू का जीरो, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई टू माइनस का टू बीटा, तो कॉस पाई बाई टू माइनस टू बीटा साइन टू बीटा हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा वन बाई टू साइन टू बीटा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन टू बीटा जो होगा वह वन होगा इसका साइन टू बीटा का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ साइन टू बीटा जो होगा लेस देन और इक्वल टू वन होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वन होगा, यानी कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन बाई टू साइन टू बीटा का, तो यह इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू वन बाई टू हो जाएगा। समझ गए, तो यही क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज में, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिया। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ पढ़ने क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।